सेकंड सिस्टम है, जो सेकंड सिस्टम के अंदर औरतों को एक खुली छूट दी गई है, बल्कि उन्हें बताया गया है कि आपका एक राइट है, ये फ्रीडम है, जिसके अंदर आप अपनी खूबसूरती को डिस्प्ले कर सकती हैं, जिसके अंदर मर्दों और औरतों को साथ में लाया गया है, जिसमें वो सब साथ में है, जिसमें इंटरमिंगलिंग है हर लेवल पर, हर स्टेज पर। अब ये जो इंटरमिंगलिंग होती है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के आउटकम क्या क्या होंगे? हमने एक मिसाल देखी थी कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज में अट्रैक्शन है, मर्दों और औरतों में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है, और वो नेचुरल अट्रैक्शन जब है और अनडिनाइबली है, तो वो नेचुरल अट्रैक्शन से क्या क्या रिजल्ट्स पैदा होते हैं, तो वो रिजल्ट्स हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट और वो ये है कि जब मर्द और औरतें साथ में हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में, जब औरतें अपनी खूबसूरती को जाहिर कर रही हैं, अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले कर रही हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन से रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये होगा, या तो कंसेंट के साथ कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, पहले बातों से मजाक होने लगा, मजाक के साथ थोड़ा घूमना शुरू हो गया, घूमने के साथ हाथों में हाथ मिला करके कुछ बातें होनी शुरू हो गई, बातों से मिलने से आगे बढ़ते 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 एक चीज बढ़कर एक अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, जिना, ये स्टेज तक बात पहुंच जाती है, अफेयर्स, रिलेशंस आउटसाइड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वहां तक बात पहुंचती है, और वो जो बात पहुंचती है उसके बहुत सारे खतरनाक अंजाम होते हैं। हमने ये डिस्कशन पॉलीगमी के टाइम पर किया था, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद हमारे कुछ व्यूअर्स इस प्रोग्राम के जो देख रहे हो वो उस टाइम पे अगर ना हो, तो मैं बहुत ही मुख्तसर में रीकैप करता हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि जब ये रिलेशंस कायम होते हैं कंसेंट के साथ, दोनों तरफ राजी है, कंसेंट के साथ जब होते हैं और रियली होते हैं, जैसे कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यूके में 47.5% ऑफ द पॉपुलेशन आज शादी से बाहर पैदा हो रही है, अमेरिका में 41% ऑफ द पॉपुलेशन शादी से बाहर पैदा हो रही है, हम देखते हैं फ्रांस में 55% ऑफ द पॉपुलेशन शादी से बाहर पैदा हो रही है, कई यूरोपियन कंट्रीज की यही हकीकत है कि एक बहुत बड़ी उनकी पॉपुलेशन शादी से बाहर पैदा हो रही है, तो यानी ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो होते हैं उसका रिजल्ट ही होता है। तो प्रेग्नेंट कौन होने वाला है? प्रेग्नेंट वो मर्द तो नहीं होने वाला है, वो आदमी तो नहीं होने वाला है, प्रेग्नेंट तो वो औरत ही होने वाली है। उसके बाद अबॉर्शन बहुत सारे होते हैं, जो अबॉर्शन होते हैं, जो अमेरिका में 21% प्रेगनेंसीज अबॉर्शन में खत्म हो जाती है, उसमें से 85% अनमैरिड औरतें होती है। तो अबॉर्शन के जरिए किसे गुजरना होगा? औरत को गुजरना होगा। कोई कहेंगे कि अगर प्रोटेक्शन या पिल्स वगैरह, तो पिल्स के सारे सारे जो एस्टैब्लिश प्रूवन साइड इफेक्ट्स है वो कौन बर्दाश्त करेगा? वो मर्द तो नहीं बर्दाश्त करेगा, वो औरत बर्दाश्त करेगी, उसे अबॉर्शन से गुजरना पड़ता है, उसका ट्रोमा उसे गुजरना पड़ेगा। और मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा होता है, और जैसे कि अमेरिका के अंदर कितनी बड़ी पॉपुलेशन, या ये वेस्टर्न कंट्रीज की मिसाल इसलिए दी जाती है, कुछ लोग कहते हैं बार बार अमेरिका अमेरिका आप क्यों कर रहे हैं, इसकी फैक्ट ये है कि यहाँ और सारी ये कंट्रीज में जो मॉडल है, जो आइडियल है, जिससे बिल्कुल तमन्ना कहा जाता है कि ऐसा बन जाए, बल्कि यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वो उसी तरफ बढ़ रहा है और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज माशरे और सोसाइटी में बुरी समझी जाती है, पहले स्क्रीन पे लाया जाता है, स्क्रीन पे लाकर प्रोग्राम्स के जरिए, फिल्मों के जरिए इसकी एक सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाती है, उसके अंदर जो शॉक वैल्यू है उसे खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद में सोसाइटी में वो जब दिखेगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन पे देख चुके हैं। इस तरह से एक एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाती है उसी कल्चर की। तो जिस तरफ जा रही है ट्रेन, तो वहां वो जो डेस्टिनेशन है, वहां अंजाम क्या है, वहां रिजल्ट क्या है, वो हम देख रहे हैं कि वहां पर रिजल्ट ऑलरेडी क्या आ चुका है, वो हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं वहां ये सारे रिजल्ट है। अमेरिका के 25% घर ऐसे हैं, 1/4, 25% यानी कि 3 crore 30 lakh ऐसे घर हैं जिसके अंदर एक सिंगल मदर अपने बच्चों के साथ सारे घर के अखराजात, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी कर रही है क्योंकि बाप तो छोड़ के जा चुका है, बच्चों को संभाल रही है, बच्चों के अखराजात संभाल रही है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस संभाल रही है, उनका इमोशनल, उन्हें साइकोलॉजिकल, उन्हें फिजिकल, हर एतबार से वो माँ बाप का भी रोल प्ले कर रही है और उन सब की जिम्मेदारी संभाल रही है क्योंकि बाप तो जा चुका है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चीज शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां हुई? इट्स अ डबल बर्डन। उसे सारी वो रिस्पांसिबिलिटीज, और हम देखते हैं कि औरतों को बाय नेचर इमोशनल बनाया गया है जो अपब्रिंगिंग के लिए बहुत जरूरी है, और वो इमोशनल उसका नेचर जो है वो उसको वहां वो जिम्मेदारी भी अदा करनी है, आउट ऑफ हाउस की जिम्मेदारी भी उसे ही अदा करनी है। तो हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट, शुरू कहां से हुआ? ये जो बच्चे पैदा हो गए, जो वो माएं संभाल रही है, जो 3 crore 30 lakh घर ऐसे हैं, और वो सारे बच्चे जो बच्चों को पता नहीं कि उनके वालिद कौन है, या पता हो भी तो लीगली क्लेम नहीं कर सकते, या वो बच्चे जिन्हें विरासत में कोई हक नहीं मिलने वाला क्योंकि कोई लीगल वारिस नहीं वो अपने फादर्स के, तो इतने सारे बच्चे डिप्राइव हो गए हैं अपने फादर की इनहेरिटेंस से, और सारे वो जो सोशल स्टिग्मा के साथ जीना पड़ता है,
जो हम देखते हैं, और बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ के अंदर भी प्रॉब्लम है। और वो औरतों का जो एडवांटेज उठाएगा कोई, तो कब तक उठाएगा? वो औरतें अगर कहें कि हाँ आज ये हैं, आज फला वो हो गया, इसके बाद उसके साथ रिलेशन है, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप उनके साथ हो गई, तो हम कहते हैं कब तक लोग इंटरेस्टेड होंगे उस औरत में? तब तक इंटरेस्टेड होंगे जब तक वो ब्यूटीफुल है, जब तक वो यंग है। एक बार बूढ़ी हो गई, एक बार उसकी ब्यूटी जाने लगी, जो बच्चों के पैदा होने के बाद कई बार औरतों की जाने लगती है, तो उस सिचुएशन में कौन उसमें इंटरेस्टेड होगा? तो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम हकीकत में, शुरुआत तो ये हिजाब उतारने से हुआ, शुरुआत तो इंटरमिंगलिंग से हुई, शुरुआत तो वो ब्यूटी को डिस्प्ले करने के राइट्स की बातों से हुई, लेकिन उसका अंजाम कहां जा रहा है? उसका अंजाम यहां जा रहा है कि ये सारी औरतों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा इंजस्टिस हो रहा है। वो सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन पर बहुत बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, जो आज वो खुद रियलाइज कर रहे हैं, आज वो खुद रियलाइज कर रहे हैं, आज वो खुद बातें कर रहे हैं कि जो लोग बच्चों को विद इन द बॉन्ड्स ऑफ मैरिज पैदा करते हैं उनको सर्टन टैक्स बेनिफिट्स देना चाहिए, आज वो रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी कंट्रीज है जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज समझा जाता है, ये कंट्रीज ब्लाइंडली इमिटेट करते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो खड्डे में वो जाकर गिरकर आज बाहर निकलने के तालुक से सोच रहे हैं, वो खड्डे में जाकर एंटर होना चाहते हैं। और ये एक हमारी मेंटल स्लेवरी है, ये हमारी मेंटल स्लेवरी है, जो शायद हम ब्रिटिश जमाने ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से तो आजाद हो गए, लेकिन ये मेंटल स्लेवरी से हम कब आजाद होंगे, एक सोचने की बात है। जैसा मुझे लगा कि आप कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए इस टॉपिक को लेकर के। नहीं, जज्बाती होने वाली बात ही है ये। अगर हम देखें वो सारी औरतें ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे जैसे इंसान है, वो उसके सारे बच्चे हमारे जैसे इंसान है। और जो वहां पर हो रहा है, जब इंडिया में बात आएगी तो यहाँ तो फिगर्स ऐसे भी पॉपुलेशन माशाल्लाह है, तो यहाँ पे फिगर्स और ज्यादा सिवियर होने वाले हैं, यहाँ के बातें अनमैनेजेबल होने वाली हैं। और हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें कोई क्यों नहीं फील कर रहा है? कहाँ है वो सारे ह्यूमन राइट्स वाले जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, उनको ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि इतनी सारी औरतें, इतने सारे बच्चे डिप्राइव हो रहे हैं, ये बाप के प्यार से डिप्राइव हो रहे हैं, वो सारी जिंदगी की खुशियों से डिप्राइव हो रहे हैं जो चेस्टिटी में है, और जो ये सारे सिस्टम में जाकर वो खुद इतने सारे प्रॉब्लम्स में अपने आप को आने वाली पीढ़ियों को डाल रहे हैं।